हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज़ैनब, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट। आज के इस वीडियो का मकसद है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। जनवरी का महीना सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस का महीना। ये अवेयरनेस इसीलिए आप सब तक फैलाना है क्योंकि ये सर्वाइकल कैंसर सेकेंड कॉमनेस्ट कैंसर है लेडीज़ में, इंडिया में। तो काफ़ी इसके जो टेस्ट अवेलेबल है जो इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लेडीज़ को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो अगर आप ये टेस्ट के बारे में मालूमात कर लें तो आप इसको जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और इससे बच सकते हैं। सर्विक्स होता क्या है? सर्विक्स मायने बच्चेदानी का निचला हिस्सा, बच्चेदानी का मुंह भी बोलते हैं। तो बच्चेदानी के जो निचले हिस्से का कैंसर होता है उसे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर किस में होता है और कौन सी एज में होता है? सर्वाइकल कैंसर का क्या लाइफस्टाइल से असर है? हाँ, सर्वाइकल कैंसर का लाइफस्टाइल से असर होता है। जैसे इसका रिलेशन HPV वायरस इन्फेक्शन से होता है जो कि सेक्सुअल एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड होता है। तो अगर आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी अर्ली एज में स्टार्ट हो गई है और आपके अगर मल्टीपल पार्टनर्स हैं और आपके अगर जेनिटल हाइजीन ठीक नहीं है, अगर आपके हस्बैंड के कई मल्टीपल पार्टनर्स हैं और अगर आप स्मोकिंग करते हैं, ये सब चीज़ों का इफ़ेक्ट आपको सर्वाइकल कैंसर के तरफ ले जाता है। तो आपको ये किस एज में दिखेगा? जब से सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है तो ये रिस्क आपका सर्वाइकल कैंसर का बढ़ जाता है। सर्वाइकल कैंसर 70% लोगों में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यूजुअली सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद आता है बॉडी में। तो ये वायरस के 2-3 स्ट्रेन्स हैं जो ज़िम्मेदार है कैंसर के लिए। जब ये वायरल इन्फेक्शन सर्विक्स में हो जाता है तो सर्वाइकल चेंजेस आने लगते हैं। सर्विक्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता, सूजन आ जाती और उसको हम सर्विसाइटिस या के जैसे नज़र आता है। तो ये सर्विसाइटिस बाजी पेशेंट्स में 90% पेशेंट्स में खुद ही कम हो जाता है। जो 5-10% पेशेंट्स हैं उनके अंदर खुद ही कम नहीं होता और वो चेंजेस बढ़ते बढ़ते कैंसर में चेंज हो जाते हैं। तो जब अगर हम ये 10 से 15 साल या बीच के टाइम में जब सर्विसाइटिस रहता है, अगर हम पेशेंट को पहचान लें और उसको देख लें या चेकअप कर लें या डायग्नोस कर लें तो फिर हम उसको कैंसर के तरफ जाने से बचा सकते हैं। ये पेशेंट्स को पता होना है कि अगर ये पीरियड में वो डॉक्टर के पास आ गए तो उनको कैंसर होने से बच सकते हैं। ये कॉमनेस्ट 45-60 ईयर्स के लेडीज़ में नज़र आता है। और इसके सिम्टम्स रहते क्या हैं? यूजुअली पेशेंट्स को क्या कंप्लेन रहती? अक्सर पेशेंट्स वजाइनल डिस्चार्ज होता है, वाइट डिस्चार्ज बोलते हैं, और दर्द रहता है पेट में और इरेगुलर पीरियड्स रहते हैं उनको। और दूसरी चीज़ है कि सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग नज़र आना। ये सब पेशेंट्स नेगलेक्ट करते हैं, वाइट डिस्चार्ज को नेगलेक्ट करते हैं, पेन को नेगलेक्ट करते हैं, और वो काफ़ी पेशेंट अपना प्रॉब्लम बढ़ा के हॉस्पिटल आता है डॉक्टर के पास। तो ये सब जब आपको चीज़ें होते हैं तो आप डॉक्टर के पास विज़िट करके चेकअप करवा लेना ज़रूरी है। अब आगे डिस्कस करेंगे इससे कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए या इससे कैसे बचा जाए। आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल में जैसे अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसे क्विट करना है, और हाइजीन मेंटेन करना है, सेफ सेक्स फॉलो करना है, कॉन्डम यूज़ करना है। और इसके अलावा वैक्सीन्स भी अवेलेबल है मार्केट में। वैक्सीन से आप अगर वैक्सीन्स ले लिए टाइम पे तो आप बच सकते हैं, क्योंकि 70% कैंसर्स सर्वाइकल कैंसर्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के वैक्सीन्स अवेलेबल हैं जो कि आप 9 इयर्स की एज से आप अपने लड़कियों को दिला सकते हैं। अगर आप जल्दी दिलाएं तो सिर्फ 2 डोजेस की ज़रूरत रहेगी। मींस 9 साल से 15 साल तक की उम्र में अगर लड़कियों को दिया जाए तो सिर्फ 2 डोज बस है।
आप अगर बाद में दे रहे हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद दे रहे हैं, तो 3 डोजेस की ज़रूरत है, जो कि 1 0, फिर 2 महीने के बाद, फिर और 1 6 मंथ्स के बाद। तो ये वैक्सीन से भी काफ़ी हम कैंसर से प्रिवेंट कर सकते हैं पेशेंट्स को। आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप लोग वैक्सीन दिलवाइए लड़कियों को अपने, और आप भी लीजिए। अब ये कैंसर को प्री कैंसरस स्टेज में कैसे डिटेक्ट कर सकें और हम इसको कैंसर में बदलने से पहले कैसे पहचान सकें, तो पेशेंट्स को ये मालूम होना चाहिए कि एक सिंपल सा एक टेस्ट है जिसको बोलते हैं पैप्समियर, जो कि सर्वाइकल एरिया से थोड़े सेल्स लेके वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिसमें पता चलता है कि जो सूजन है बच्चेदानी के मुंह पे, वो प्री कैंसरस है या सिर्फ सूजन इन्फेक्शन से है। तो ये जल्दी पता चल जाने से हम कैंसर के तरफ सर्वाइकल चेंजेस जाने से पहले ही उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये पैप्समियर कब करवाना है और कितने बार करवाना है? पैप्समियर एक सिंपल सा टेस्ट है जो आपको ओपीडी में किया जाता है, और ये आपको 25 इयर्स के बाद, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी स्टार्ट होने के बाद, every 3 years में एक बार करवाना पड़ेगा। अगर वो 2 बार नॉर्मल आ गया, every 3 years 2 बार नॉर्मल आ गया, तो आप every 5 years करवा सकते हैं। और एक भी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसको बोलते हैं HPV DNA टेस्ट, उसको भी every 3 years करवाना है, उसके बाद every 5 years। तो ये दोनों टेस्ट आपको सिंपल से टेस्ट हैं जो हर औरत को करवाना है स्क्रीनिंग के लिए, आपको कैंसर से बचने के लिए, आपको प्रिवेंट करना है पहले ही प्री कैंसरस स्टेज में कैंसर को पकड़ के। ये भी है कि ये वैक्सीन आपको 100% ये कैंसर से बचा नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ 70-80% ही ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से कैंसर, सर्वाइकल कैंसर का कॉज है। तो आपको कम से कम 80% तो आप ये कैंसर से बच सकते हैं वैक्सीन लेने से। तो आप लोग वैक्सीन ज़रूर ले लीजिए। और दूसरी चीज़, मैं सब लेडीज़ को ये बोलना चाह रही हूँ कि आप तक ये सब मैसेज इसीलिए पहुँचा रही हूँ कि आप लोग बहुत ज़रूरी है फैमिली के लिए। आप लोगों का कंट्रीब्यूशन अपने फैमिलीज़ के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने हस्बैंड की लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग अपनी हेल्थ नेगलेक्ट मत करिए। आप लोगों को चाहिए कि जल्द से जल्द अपने प्रॉब्लम्स अपने हस्बैंड से शेयर करना चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स को छुपा कर लेट हॉस्पिटल मत आइए। तो आप लोगों का कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को ज़रूरी है। और ये है कि आप लोग अपने आप को ज़रा केयर कर लीजिए।